हार्दिक स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं खसखस वाला दूध। ये हेल्थ के लिए और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हमने एक बड़ा चम्मच खसखस का ले लिया हुआ है। 10-12 दाने हमने बादाम के ले लिए हैं। 2 दाने हमने हरी इलायची ली हुई है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है, खसखस को और बादाम को हमने पीस लिया है। हमने ज़्यादा नहीं पीसा, बारीक करके हमने दरदरा पीसा है। अब हम इसका दूध बनाएंगे। अब हम एक पतीला लेंगे, इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल लेंगे। अब ये हमारा देसी घी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने खसखस और बादाम और इलायची के दाने जो हमने पीस के लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको हमने स्लो गैस पे अच्छे से भून लेना है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारे बादाम और खसखस अच्छे से भून गए हैं। अब हमने इसको ब्राउन होने तक भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध, 1 गिलास दूध का डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से इसमें उबाल लेना है। अच्छे से हम इसको काट लेंगे ऐसे करके। आप भी बना के देखना, ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है। और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, डाइटी फाइबर से भरपूर होता है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कैंसर वाले रोगों के लिए भी इसका दूध में ऐसे करके सेवन करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और हार्ट का पेशेंट हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और शुगर पेशेंट वालों के लिए भी ये दूध बहुत अच्छा है। इसका आप कच्ची खसखस का कभी भी इस्तेमाल मत करना। कच्ची खसखस कभी मत खाना, इसमें नशा होता है। इसको कभी भी खाना हो तो ऐसे दूध में भून कर उबाल के आप 1 हफ्ता पियोगे ऐसे करके इसको खसखस का दूध, तो आपको पता चल जाएगा। 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा कितना फायदेमंद होता है ये खसखस का दूध। अब हम इसको अच्छे से काट लेंगे। अब हमने दूध को अच्छे से उबाल लिया है, काट लिया है। अब ये हमारी खसखस और बादाम अच्छे से इसमें उबल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लेना, ज़्यादा कम आप इसमें कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब ये हमारा खसखस का दूध बनके तैयार हो गया। अभी हम इसको ठंडा होने पे सर्व करेंगे। अब ये हमारा खसखस का दूध नॉर्मल ठंडा हो गया। अब हम गिलास लेंगे, गिलास में डाल के हम इसको सर्व कर लेंगे। अब ये हमारा खसखस का दूध पीने के लिए तैयार है। आप इसको ऐसे नॉर्मल भी पी सकते हैं और फ्रिज में ठंडा करके भी पी सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।